हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ पनीर कोरमा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है। पनीर की तो बहुत रेसिपी आप खुद भी बनाते होंगे, लेकिन यह थोड़ा डिफरेंट और बिल्कुल अलग तरीके से बनाया जाता है। तो आप एक बार ज़रूर पनीर की इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, देखिए कितनी अमेजिंग हमारी पनीर कोरमा बनी है। तो आप एक बार ज़रूर हमारी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, और अगर अच्छी लगी हमारी रेसिपी तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को खूब सारा शेयर कीजिए। आप इसे रोटी पराठे चावल किसी के साथ भी इंजॉय कीजिए, बहुत अमेजिंग लगती है। अगर आप पनीर की बार बार एक ही रेसिपी खा खा कर बोर हो गए हैं, तो ये रेसिपी आपके लिए बिल्कुल ही परफेक्ट रेसिपी है। आप हमारी पूरी वीडियो को देखें और फिर इस डिफरेंट रेसिपी को हमारे साथ ट्राई करें। अगर रेसिपी पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो यहाँ पे मैं ली हूँ खूब सारा प्याज, हमें 4 से 5 मीडियम अनियन को पतली पतली काट ली हूँ, और इसके लच्छे को इस तरह ओपन कर लें, क्योंकि हमें इसके लच्छे को डीप फ्राई करना है। पनीर कोरमा बिल्कुल इसी तरह बनाया जाता है, इसलिए इसकी ग्रेवी की ना टेस्ट बहुत ही डिफरेंट होती है। अब आप प्याज को बिल्कुल ही गोल्डन होने दें और इसे हाई फ्लेम पर गोल्डन होने तक तलें, और बीच बीच में चलाते भी रहें। और आप हमारी पूरी वीडियो को देखकर इस रेसिपी को बनाएंगे ना, तो आपकी पनीर कोरमा बहुत ही अमेजिंग बनेगी। तो देखिए गोल्डन अनियन होने लग गया है, अभी हमें इसे और भी गोल्डन करना है, जिससे कि प्याज जब बिल्कुल क्रंची हो जाए ना, उतनी गोल्डन करनी है। तो लीजिए, प्याज का बिल्कुल परफेक्ट कलर आ चुका है। यहाँ पे आप गैस का फ्लेम बंद कर दें, नहीं तो प्याज आपकी जल जाएगी। फ्लेम बंद करने के बाद भी आप इसे लगातार चलाते रहें, जिससे प्याज हमारी जले नहीं। और चलाते हुए अब आप ऑयल से सेपरेट करते हुए अनियन को निकाल लें। निकालने के बाद भी इसका कलर बहुत ही डार्क हो जाएगा, और निकाल कर देखिए हमने कितने लाइट कलर में निकाले थे और कितने डार्क हो गए। जब तक प्याज ठंडा हो रहा है, जब तक हम ग्रेवी के लिए पेस्ट तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ली हूँ 2 चम्मच देसी ग्रेटेड कोकोनट, 1 मीडियम साइज का टमाटर और 1 पूरा लहसुन, 12 से 15 काजू और 1 इंच अदरक का टुकड़ा, और सारे को हमें बिल्कुल ही फाइन पेस्ट बनाकर तैयार कर लेना है। अब उसी प्याज वाले तेल में ही मैं यहाँ छौंक लगा दी हूँ जीरा, तेज़पत्ता और दालचीनी का। उसके पत्ते ही हमने जो पेस्ट तैयार किए हैं उसे डाल देना है, और उसे हमें बिल्कुल ऑयल सेपरेट होने तक पकाना है। यहाँ पे आप मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे कुक कर सकते हैं। जब तक यह भुन रही है, जब तक हम प्याज का पेस्ट बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं प्याज को मिल्क और मलाई के साथ ग्राइंड करूँगी। हाँ, यहाँ हमें पानी का यूज़ नहीं करना है। आप यहाँ प्याज को मिल्क और मलाई के साथ ही बिल्कुल फाइन पेस्ट बनाकर तैयार कर लें, जिससे आपकी ग्रेवी ना बहुत ही रिच बनेगी। तो चलिए, हमारा अनियन का भी पेस्ट तैयार हो गया, और इधर हमारा मसाला भी भुनकर तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे अब मैं कुछ इसमें बेसिक्स मसाले ऐड करूँगी, जैसे जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और नमक। इन सारे मसालों को आप डालकर 1 मिनट तक भूनें, और उसके साथ ही हमने जो अनियन का पेस्ट बनाया है वह ऐड कर देंगे। देखिए अभी मसाला डालने के बाद ही कितना खूबसूरत सा कलर आ गया है, और कितनी दानेदार हमारी मसाला भुन चुकी है। तो यह परफेक्ट हमारी मसाला बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पर भुनकर तैयार हुई है, जिससे मसाले का ना टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो इसके साथ ही मैं अब इसमें अनियन वाला पेस्ट ऐड कर दी हूँ, और अब हमें इसे भी बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक ही पकाना है, क्योंकि हमारा अनियन ऑलरेडी फ्राइड है। तो आप इसके साथ ही इसमें पानी ऐड कर दें। पानी आप जितनी जिस कंसिस्टेंसी की ग्रेवी चाहते हैं उतनी पानी ऐड कर दें, और अच्छे से मिला लें। और फिर इसमें लास्ट में आप कसूरी मेथी ऐड करें, जिससे कि ग्रेवी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और इसके डालते ही मैं इसमें बिल्कुल फ्रेश घर की पनीर ऐड कर दूंगी। पनीर को आप यहाँ फ्राई करके बिल्कुल भी नहीं डालें। अगर आपकी घर की फ्रेश पनीर है ना, तो आप इसे बिल्कुल बिना फ्राई के डालें। जब कच्ची पनीर आप ग्रेवी में डालकर पकाते हैं ना, उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और देखिए हमारा
कितना खूबसूरत और कितना यम्मीस्ट पनीर कोरमा बनकर तैयार हो गया। बिल्कुल ही आसान रेसिपी है ना, तो हमारी इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें। और जब भी नेक्स्ट आप पनीर की कोई भी रेसिपी ट्राई करें तो पनीर कोरमा ही बनाएं, एक बार तो बनाएं, आप फैन हो जाएंगे पनीर कोरमा के। बहुत ही अमेजिंग बनती है, बिल्कुल ही डिफरेंट रेसिपी है, तो एक बार ज़रूर हमारी इस पनीर कोरमा की रेसिपी ट्राई कीजिए, आप फैन हो जाएंगे पनीर कोरमा के। और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स का हमें बहुत ही इंतज़ार रहता है। तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपकी पनीर कोरमा कैसी बनी। अगर हमारी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को खूब सारा लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।